सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तो अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग्स। आज दा व्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ने, जो जो जनवरी इनटेक नज़दीक आ रहा है, कई बच्चों के रिजल्ट हाले आने बाकी ने, कई रिजल्ट आए, रिफ्यूजल आई, उस तो बाद दोबारा फाइल लगाई गई है, तो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि लेट फाइल लगी है। कई बच्चों ने वैसे ही लेट फाइल लगाई है, सो कई ने डेफर करके ते फिर उस तो बाद फाइल जड़ी है वो लगाउन बारे सोच रहे ने। सो अज का वीडियो जड़ा है वो मेन इसे टॉपिक ते होने वाला है। जिन्हें भी जनवरी इनटेक दे विच फाइल लगाउन वाले बच्चे ने, उन्हां वास्ते अज दी वीडियो बहुत खास होने वाली है। जेकर तुसी फाइल लगाउनी है या मेन इनटेक या अगले इनटेक वास्ते जा रहे हो, तां वी तुहाडे लई इह वीडियो जिहड़ी इनफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जेकर डेफरमेंट दी सिचुएशन बनती है तो उस कंडीशन विच तुसी की करोगे। अज दे वीडियो दे विच इसे टॉपिक दे उत्ते गलबात करांगे। वीडियो शुरू करते हैं। जेकर पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि साड़ी कोशिश होंदी है सही अथेंटिक ते पूरी जानकारी तुहाडे तक पहुंचाना। किसी भी तरह के प्रमोशनल कंटेंट ते असी जोर नहीं दिंदे, किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग नहीं करते। जेकर SOP प्रोफाइल डिस्कस वगैरह करनी है तो तुसी अपॉइंटमेंट बुक करके ते एज पर अपॉइंटमेंट तुहानू कॉल बैक करांगा, कोशिश करांगा तुहाडा डाउट क्लीयर करा। सो वीडियो शुरू करते हैं, उस करके तुसी कॉल कर सकते हो, पर कदे भी मैं कॉल या मैसेज उस करके ना कराया करो कि असी वीज़ा लगाना है, वीज़ा नहीं असी लगाते। सो वीडियो दे विच सब तो पहला गल करते हैं कि कॉलेज दियां डेडलाइनस हुण नज़दीक आ रही ने। कई कॉलेजेस ने नवंबर दे विच ही डेडलाइन दिती है कि नवंबर नवंबर विच तुसी रजिस्ट्रेशन कर लो, अपना डेफरमेंट की डेट दे दिती है कि तुसी डेफर कर लो कोर्स। उस तो बाद कई कॉलेजेस की जिहड़ी डेफरमेंट की डेट है वो दिसंबर है, दिसंबर दे विच, ते कई कॉलेजेस जिहड़े ने वो जनवरी तक भी जा रहे ने, यानी कि दिसंबर दे एंड तक कह लईए या फिर जनवरी दे फर्स्ट वीक दे विच गल कर लईए आपां। कुछ कॉलेजेस दी डेड क्योंकि जिहड़ी डेडलाइन है वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करदी। कई बच्चे सानूं कॉल इस करके भी करदे कि सर मैं XYZ कोई किसी कॉलेज का नाम लेंदे कि उस कॉलेज दे विच एडमिशन लिया है, मेरी डेडलाइन की है। देखो, जेकर तुसी अपनी डेडलाइन बारे जानकारी लैनी है तो तुसी अपने एजेंट नू कांटेक्ट कर सकदे हो। बाकी मेल आउंदी है तुहानू डेडलाइन नू लैके, कॉलेज वालों एक मेल कीती जांदी है कि तुसी इन्नी तरीक तक जिहड़ी है वो अपनी PPR सबमिट कर सकदे हो। रजिस्ट्रेशन दी डेट बकायदा तौर ते दित्ती जांदी है, या फिर जिहड़ा तुहाडा ऑफर लैटर या एलॉय वगैरह उहदे उत्ते मैंशन हुंदी है। यानी कुल मिला के तुहाडा कॉलेज तुहानू इह गल दसदा है, या कह सकते कि तुहानू इस बारे जिहड़ी है वो जानकारी कॉलेज तो मिलती है या तुहाडे इंस्टीट्यूशन तो मिलती है जिथे तुसी एडमिशन लिया हैगा, या अपने एजेंट नाल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कई बार बच्चों की मेल की जगह एजेंट ने अपनी मेल ID दिती होंगी है या नवी एक मेल ID जिहड़ी वो क्रिएट की गई होंगी है। सो इस कंडीशन दे विच इस गल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूजी गल, हर बच्चे नू पता होना चाहिए है कि उसकी कॉलेज की डेडलाइन की है, कदों तक वो डेफर कर सकता, कदों रजिस्ट्रेशन करना उन्हें, या फिर उसके कॉलेज में या उसकी जिसी की ते चल की रहा है, इस बारे ध्यान जेड़ा तुसी आप रखना। क्योंकि हुंदा की है, एजेंट को बहुत सारिया फाइल्स होंदिया ने, एजेंट कई बार इंडिविजुअल एक एक बच्चे नू ट्रेस नहीं कर सकता। सो जेकर तुसी अपनी फाइल बारे जानकारी रखते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं रखते तो कई बार तुहानू पता तक नहीं लगता। सो ध्यान रखियो इस गल का। तो कई बार की हुंदा है कि वैसे मैं तुहानू दसदा कि तुसी एक नियम ही बना लो कि हर चौथे पंजवें दिन तुसी एजेंट तो अपनी GC की स्क्रीनशॉट भी लेंदे रहो, ते नाल दी नाल ही अपनी मेल जिहड़ी है उन्हों भी ट्रेस करते रहो। उस तो बाद दूजी प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों की कि हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि नवंबर दे विच जेकर तुहाडा डेफर होना है तो तुसी डिसीजन हुण ही ले लो, क्योंकि कॉलेज दे विच कोर्स की अवेलेबिलिटी ते भी डेफर डिपेंड करता है। सो ध्यान रखियो इस गल का, क्योंकि ये ना हो कि तुसी लेट कर दो ते अगले इनटेक की भी सीट जिहड़ी वो फुल हो जाए ते तुहानू अगले इनटेक दे विच भी डेफर ना मिले। सो इस गल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके जिन्हां दी डेडलाइन नवंबर दे विच है। जेकर दिसंबर विच तुहाडी डेडलाइन है ते दिसंबर वाले लई हाले टाइम हैगा, वो सोच सकदे ने, पर कॉलेज दे विच सीट अवेलेबिलिटी दा उहनां नू ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस तो बाद गल कर लैंदे आ जैन इनटेक दी, सॉरी जिन्हां दा जैन दे विच डेफरमेंट दी डेडलाइन है। ये डेडलाइन की गल कर रहे हैं नवंबर दिसंबर ते जैन, कोई जे मेरे मुंह तो बाई दा वे निकल गया हो कि इनटेक ते इनटेक नहीं हैगा, ये एक पर्टिकुलर मैं डेफरमेंट दी डेट या रजिस्ट्रेशन डेट की गल कर रहा है। सो जेकर जैन इनटेक जैन तक की गल की जाए, यानी कि दिसंबर लास्ट तक जेडे डेफर कर सकते हैं
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਪੀਡਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਦਿਸੰਬਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ SOP ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸੰਧੂ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।